तो आज हम जा रहे हैं कहाँ? MR मॉल। और आज मेरे साथ है अमर। ओके जी, एशियन साइड पे जो हमारा करीब और आसानी से पहुंचने वाला मॉल है वो है MR मॉल। और हम लोगों को वो पसंद भी है, बहुत ज़्यादा बड़े मॉल हमें आई समझ में नहीं आते, तो लाइक घूमते घूमते थक जाए इंसान। तो इस मॉल में जाना हमें आसान लगता है। मैंने ऐप से गाड़ी नहीं बुलाई, हमने सोचा कि खुद ही रोक के ट्राई करते हैं। MR मॉल के लिए तो टैक्सी मिल जाती है, मसला नहीं होता। टैक्सी यहाँ पे कम डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती है, ज़्यादा डिस्टेंस के लिए बसेस यूज़ करते हैं, क्योंकि कम डिस्टेंस में टैक्सी वाले भी आपको तंग नहीं करेंगे, आराम से ले जाएंगे आएंगे। ज़्यादा डिस्टेंस पे टैक्सी वाले थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, और आपका किराया इतना बन जाएगा कि आप नेक्स्ट टाइम पापा कर लेंगे कि नहीं भाई टैक्सी से नहीं जाना। तो चलें टैक्सी रोकते हैं। गाड़ियाँ स्टार्ट हुई हैं आना। लेट्स सी इफ वी कैन। मेरी आवाज चली। यस द टैक्सी कोई है। लेट्स ट्राई थ्रू द ऐप। I wish I could ride this, but I cannot. About 15 minutes wait के बाद हमें टैक्सी मिल गई है, और हमने बैठ के उसको सिर्फ ये बताया कि MR स्क्वायर उसको समझ आ गया, तो हमें लेके जा रहे हैं। ये अभी जो मैंने किए हैं ना, ये बिल्कुल बगैर हिले हुए। हाँ तो सब हम आ गए हैं, हम इंडियन पाकिस्तानी सारे घुस गए हैं। मावी जो है वो यहाँ का ऐसे जैसे पाकिस्तान में आउटफिटर्स
अच्छे कपड़े हैं, रीजनेबल कपड़े हैं, और यहाँ पे सारे टीनेजर्स प्रेफर इसी को करते हैं। हमने कर ली शॉपिंग, कितनी की थोड़ी सी की, ज़्यादा नहीं। अब हम जा रहे हैं दूसरे कपड़े देखने। बोइनर में सारे ब्रांड्स होते हैं, मतलब हर दुकान में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें आए आप थोड़े थोड़े जितने ब्रांड्स हैं सब मन हो जाए। इट्स अ गुड प्लेस। सबसे पहले जैक एंड जोन्स। ऊपर सारे जेंट्स के हैं, नीचे बच्चों के हैं।
अमल का ये कैमरा फ्रैप पे जो है अभी तक चल रहा है, खत्म हो गया, शुक्र है खत्म हो गया. नाउ वी आर वेटिंग फॉर द टैक्सी. टैक्सी इधर से आएगी, इधर लाइन लगी हुई है, टैक्सी के लिए भी लाइन लगाते हैं. अच्छे बच्चों की तरह सारे लोग खड़े हो यार. बैठो. रात का 8 बज रहा है. फाइनली वी फाउंड अ टैक्सी बैक टू होम. ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो इसी तरह के प्राइसेस हैं. Articles for 2,800. So let us go and convert for the hand. Okay. So मैंने shopping की एक दुकान से मैंने 2,809 लिरा की ली की मैंने और उसमें 11 articles थे. तो वो total कन्वर्ट किए तो बने हैं 36,500. तो रुपये की वजह से ये हुआ है, रुपया डी वैल्यू हुआ है, वैल्यू नहीं है मैंने. बस ये था, यहाँ तक था मेरा आज का मॉल का टूर और शॉपिंग और करेंसी का. अस्सलाम वालेकुम भाभी, यहाँ से बाय 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 बाय.